आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल एपिसोड में, जहां पर कहानी में ट्विस्ट है, खाने की कहानी में ट्विस्ट। तो ये जो है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्चुअली क्विनल्स बना रहा हूँ मैं। ये क्विनल्स से क्या करना है अभी देखेंगे। जैसे आप फ्राइड राइस बनाते हैं ना, कुछ उस तरह की रेसिपी है ये। और ये जो है, इसको आप वेजिटेरियन भी बना सकते हैं, और या जैसे मैं इसमें इस समय चिकन ले रहा हूँ, आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं। चलिए इसको एक काम करते हैं, दोनों चीज़ें अलग रखेंगे। ये ले लिया, इसमें थोड़ा सा नमक, और इसको मैं फ्रिज में रख देता हूँ। और अब ये रेसिपी बनाने के लिए, ये नॉनस्टिक पैन, और इसके अंदर ये थोड़ा सा तेल, और तेल डालकर इसे गर्म कर लेते हैं। ये अंडा, और अंडा लेकर, ख़ासतौर से अगर आप चिकन के साथ में इसको बना रहे हैं तो ज़रूर अंडा इसके अंदर बड़ा बढ़िया लगेगा। तो ये ले लिया अंडा, इसके साथ में इसमें नमक, भाई जैसे ऑमलेट बनाते हैं ना वैसे ही, लेकिन ऑमलेट नहीं बनाएंगे। तो ये अंडा इसके अंदर फेंट लेते हैं, इसमें थोड़ी हरी मिर्च भी, ये लीजिए नमक हरी मिर्च। ये तो बिल्कुल अब काम वैसा ही हो रहा है जैसा ऑमलेट का है। चलिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि ऑमलेट नहीं बनाएंगे, तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इसमें ये ले लिया, और फिर इसमें ये लीजिए। अब इसको कर दिया हमने एकदम, इसको तहस नहस कर दिया। ये लीजिए, ये अंडा तैयार। ये अंडा तैयार करने के बाद अंडा निकाल लेते हैं हम जरा ये इसके अंदर। और अब बारी आती है इसको और पकाने की, थोड़ा सा तेल इसके अंदर। और अब ये स्प्रिंग अनियन ले लिया, स्प्रिंग अनियन के साथ साथ अनियन, देखिए ये जो रेसिपी है इसमें थोड़ा प्याज ज़्यादा, और उसका रीज़न है क्योंकि ये जो रेसिपी है इसमें प्याज अगर कम होगा तो प्यार कम हो जाएगा इसके अंदर। नहीं, प्याज का मॉइस्चर इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में हम। और ये जो रेसिपी है इसमें अब एक पैन जरा और लेना है मुझे क्विनल्स पकाने के लिए। ये लीजिए, इसको रख देते हैं हम। ये देखिए, ये नॉनस्टिक पैन, इसको पका लेते हैं। ये प्याज हो गए सॉफ्ट, हाँ एकदम बढ़िया सॉफ्ट। और अब ये मेरे पास कैप्सिकम कटी हुई, ये भी एकदम इसको बढ़िया टेस्ट देगा, रंग भी अच्छा देगा इस रेसिपी में। बना के आ रहे हैं हम भाई, कहानी में ट्विस्ट यही तो है कि ये जो राइस बन रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये राइस बनेंगे, एक्चुअली फ्राइड राइस बना रहा हूँ मैं, लेकिन ये फ्राइड राइस में जो राइस है वो थोड़ा अलग इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। और ये जो फ्लैट राइस है ये एक्चुअली है पोहा। जी हाँ, पोहा जिस तरह से आप बनाते हैं, तो ये पोहा मैंने लिया है सोक करके, ये इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर और जो चीज़ें डलने वाली हैं वो क्या हैं, वो है थोड़ी सी सोया सॉस, नमक, और ये जो है ये हमारे पास एग अब इसके अंदर, और ये इसे ज़रा मिक्स कर देते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं इसमें जो मॉइस्चर है वो बहुत ज़रूरी नहीं, तो एकदम ड्राई हो जाएगा ये। तो ये हमने इसे मिक्स कर लिया। इसके साथ साथ ये मेरे पास विनेगर, वाह, ये मेरे पास स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, ये ले लिए ढेर सारे इसके अंदर। चिकन को बंद करते हैं, चिकन पक गया है। ये देखिए, अब आप बता सकते हैं कि ये पोहा है या राइस है, बड़ा मुश्किल है बताना। नाइस, इजी, और ये गारंटी है कि जब भी आप इसको बनाएंगे
लोग ज़रूर खाकर आपकी तारीफ तो करेंगे ही, क्योंकि नई चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में चर्चा ज़रूर होती है, अब चाहे वो सिंपल हो या डिफ़िकल्ट। ये जो मेरे पास है चिकन के क्यूनेल्स, अगर आप नॉन वेज बना रहे हैं तो ये देखिए, नाइस जूसी, टेस्टी है, डिलिशियस है, बच्चे हों बड़े हों सबको अच्छा लगता है फ्राइड राइस, नहीं नहीं फ्राइड पोहे। पोहा एक फ्राइड राइस बनाने के लिए 3 कप पोहा भिगोया हुआ, 3 अंडे, 1 कप चिकन का कीमा, नमक स्वादानुसार, 7 बड़े चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 कप कटे हुए हरे प्याज, 1 कप कटे हुए प्याज, 1/2 कप कटी हुई लाल शिमला मिर्च, 1/2 कप कटी हुई पीली शिमला मिर्च, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 2 छोटे चम्मच विनेगर, 1/2 कप कटे हुए हरे प्याज के पत्ते। पोहा एक फ्राइड राइस बनाने के लिए चिकन के कीमे के 10 समान हिस्से बना ले और उन्हें क्विनल्स का आकार दे, उन पर नमक छिड़के और 10 से 12 मिनट तक रेफ्रिजरेटर में रखे। एक नॉनस्टिक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर ले। एक बॉल में अंडों को नमक और हरी मिर्च के साथ फेंट ले। इस मिश्रण को अब पैन में डाले और चलाते हुए उनकी भुर्जी बना ले। आंच पर से उतार कर बॉल में रखे। उसी पैन में 3 बड़े चम्मच तेल गरम कर ले, हरे प्याज और प्याज डालकर सुनहरा होने तक भुने। एक दूसरे नॉनस्टिक पैन में बचा हुआ तेल गरम कर ले। चिकन क्वेनल्स डालकर पूरी तरह पका ले। प्याज वाले पैन में डाले लाल और पीली शिमला मिर्च, पोहा और मिला ले। अब डाले सोया सॉस, फिर डाले नमक, अंडे की भुर्जी और मिला ले। अब सिरका और हरे प्याज के पत्ते डालकर अच्छी तरह मिला ले। पोहे का मिश्रण एक सर्विंग डिश पर रखे, उस पर अलग रखी हुई अंडे की भुर्जी डाले और चिकन क्वेनल्स ऊपर रखे और इसे तुरंत परोसे।